हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज वीडियो में अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, फिजिक्स बाय राजवशिष्ठ सर के अंदर। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, मोबिलिटी और रिलेशन निकाला था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ठीक है। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या होता है इसके अंदर देखो, देखो ओम्स लॉ किसने दिया था भाई, हमारे पास एक ओम्स नाम का क्या था साइंटिस्ट था जिसने ला दिया था, उसी के नाम के ऊपर क्या रख दिया भाई, ये ला रख दिया, जिसका नाम क्या रख दिया ओम्स लॉ। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, ठीक है। कई बार देखो इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, तो उसको कैसे लिख देते हैं, उसको ऐसे इस तरह से लिख देंगे हम इसको कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी वोल्टेज हो किसके ऊपर डिपेंड करे, करंट, ठीक है। लेकिन करंट एक्चुअली में होता क्या भाई, फ्लो ऑफ चार्ज, अगर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे किसी चीज के अंदर तो फ्लो ऑफ चार्ज कहां से होगा, तो करंट आपका कहां से आएगा, तो जो आपकी मेन जो सोर्स में डबा आपकी क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज जब हम अप्लाई कर रहे तब क्या आता है, करंट आता है, यानी करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर कि अगर हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दे तब आपका कितना करंट आता है। तो कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या होता है भाई, गलत हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे फॉर्म के अंदर आपका चला जाता है, तो हमें क्या करना है, करंट और वोल्टेज, यानी जो करंट है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर, तो यहाँ से आपका जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम इसको ऐसे भी, अब आप इसको बिना डर के ऐसे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, ठीक है, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, तो V इज इक्वल टू I। तो यहां से जब हम कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, या फिर यहीं से करोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इनटू में I, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R। तो R आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है भाई, ठीक है, R इज इक्वल टू में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और R को हम किसका नाम दे देते भाई, रेजिस्टेंस का, यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिला है इसको हमने किसका नाम दे दिया, रेजिस्टेंस का नाम दे दिया भाई, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ आता है, यानी R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, और साथ में इसको क्या नाम दिया भाई, रेजिस्टेंस का नाम दिया है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं आपका ओम्स लॉ का, कि आपका जो ग्राफ आएगा ओम्स लॉ का V और I के बीच में, तो वो ग्राफ किस तरह से आएगा भाई, देखो इसके अंदर ये हमने सेंटर पॉइंट मान लिया। अब देखो ग्राफ बनाने के दो नियम होते हैं, एक x एक्सिस होता है, क्या होता है y एक्सिस होता है, x एक्सिस की लॉन्ग आपने कौन सी टर्म लेनी है, तो जो भी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो आपको क्या लेनी होती है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेनी होती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है यानी जो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वो किसके लॉन्ग हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, ठीक है। तो देखो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे तो करंट भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही तो होता है कि डायरेक्ट में चलते जाए। तो दोनों का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सेंटर से, ठीक है, लीनियर लाइन आएगी हमारे पास, 45 इस तरफ एंगल, 45 इस तरफ, ठीक है, दोनों के मिडिल पॉइंट से जाएगी हमारे पास। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये ओम्स लॉ का क्या आता है, ग्राफ आता है V और I के बीच में, ठीक है। अब देखो भी जो ये ओम्स लॉ आता है हम इसको निकालते कैसे, कैसे निकाला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके।
तो डेफिनेशन वगैरह आपको सब समझ में आ गई होगी। आपको इतना ही करना है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर आप उस टर्म में लिखते हो ना वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो सिर्फ गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ जाता है, हमें सिर्फ आई और वी की यानी करंट डिपेंडेंट दिखाना वोल्टेज के ऊपर। अगर वो करते हो आप तो उसके अंदर जो आपका यहाँ पर जो आपने कॉन्स्टेंट लगाया है आर, वहां पर आपका कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है, वो कंडक्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा आपका। यानी अगर आप लिखते हो ना वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसके अंदर जो कंडक्टेंस आप लगाओगे वो जी, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे वो क्या जाएगा जी, यानी कंडक्टेंस की फॉर्म में चला जाएगा फिर हमारा ये, और हमें क्या पढ़ना है रेजिस्टेंस की फॉर्म के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए आपको क्या लिखना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी दिखाना है, ठीक है, तभी हमारे पास ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकल के आएगा। अगर आपने वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिया तो आपका ये कंडक्टेंस के फॉर्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख के बाद में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी होगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में ये लिखना पड़ेगा। अगर आप वो लिखते हो और डेफिनेशन ये देते हो और वहां से वो लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, तो ये आपका हौसला था भाई। अब हम क्या करते हैं, इसकी डिडक्शन करते हैं कि हौसला जो आपका किस तरह से निकल के आता है। V इक्वल टू आई आर, यानी आर की वैल्यू जो आप होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी। तो देखो यहां से नेक्स्ट क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं हौसला के। क्या करेंगे भाई, डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन के अंदर हम क्या बताते हैं भाई कि जो हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, हमारे पास तीन चीजों की जरूरत है ओमसला को निकालने के लिए, एक करंट की, एक वोल्टेज की, और एक क्या पड़ेगी रेजिस्टेंस की। तीन चीजों की हमारे पास रिक्वायरमेंट है इस ओमसला को प्रूव करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या निकाला था, रिलेशन निकाला। देखो बुक के अंदर कुछ भी जैसे दिया हो, बुक्स के अंदर ये चीजें आगे पीछे दी हुई होती है, ठीक है। कोई चीज पहले लिख देते हैं फिर उसको बाद में वैल्यू पहले निकाल देते हैं, फिर जिसके अंदर पुट करनी है वो हमें बाद में पता लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमें आई वी और आर तीन चीजों की जरूरत है हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या होता है भाई, करंट। यानी कि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि जो करंट होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एन ई ए वी डी। हमारे पास ये रिलेशन आया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भाई। अब देखो यहां से अगर मैं मुझे क्या लिखना, आई तो हमारे पास आ गया, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, वी के अंदर और आर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, यहां पर देखो हमारे पास आया था क्या, ई टाउ डिवाइड बाई में एम। लेकिन देखो यहां पर जो क्या होता था, ये क्या हो क्या है, यहां पर चार जोन एन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, चार जोन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई टाउ डिवाइड बाई एम। यानी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ई स्मॉल ई फिर कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई में एम, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ई है स्मॉल ई किसकी वैल्यू है, चार्ज, यानी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी वैल्यू है हमारे पास ये। अब देखो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन जो हमारी वोल्टेज है वो तो यहां से भी नहीं आई भाई। तो वोल्टेज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेकिन देखो फिर से कि हमारे पास जो वोल्टेज होती है यानी जो पोटेंशियल होता है भी, वो किसके इक्वल होता है, ई इंटू में एल के इक्वल होता है भाई हमारे पास, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। अगर मैं यहां से ई की वैल्यू निकालता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई में एल। यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर टू, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखो इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करो सेकंड इक्वेशन में, पुट ई इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो सेकंड के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई, ई। ई की क्या वैल्यू, वी बाई एल, वी एल सॉरी वी इंटू में टाउ डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा एम और इंटू में एल। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई भाई, इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर फोर। अब इस इक्वेशन नंबर फोर की वैल्यू कहां पर पुट करो, फर्स्ट के अंदर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, पुट
द वैल्यू ऑफ वी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर जब हम वी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आई इज इक्वल टू एन ई ए, ठीक है ये बच गया। वी डी की वैल्यू क्या होगी वही ई वी टाउ डिवाइड बाय में क्या होगा एम इंटू में एल, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो I की क्या वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास I की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, देखो E यहां पर स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू में ए इंटू में वी टाउ डिवाइड बाय में आपका क्या बचेगा भाई एम इंटू में एल, ये आ गई हमारे पास टर्म। अब नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, यानी देखो स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप चलना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालो करंट, हमें तीन चीज निकालनी है आई वी और आर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फार्मूला किसका अवेलेबल है, करंट का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल था, ये हमने लिख दिया। उसके अंदर फिर हम क्या करते जाते हैं कि जो भी टर्म हमें ऐसी दिखाई देती है जिनकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनकी वैल्यू क्या करते जाते हैं पुट करते जाते हैं, और यहाँ पर हम लास्ट में क्या दिए वी और आई हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हम इसको आगे क्या करते हैं सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी, तो देखो यहां से करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद एन ई स्क्वायर ए वी टाउ डिवाइड बाय क्या होगा एम इनटू में एल। लेकिन देखो वी और आई हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर आया था भाई, लेकिन आर इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आया, तो यहां से मैं आर का रेशियो निकाल सकता हूं वी बाई आई करके। अगर मैं वी बाई आई कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब मेरा वी यहां पर है और आई यहां पर है, तो आई को मैं इस तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, और एम एल को मैं इस तरफ ले आता हूं भाई, तो एम एल इज इक्वल टू में एन ई स्क्वायर ए टाउ इनटू में वी डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया भाई आई, ये रेशियो आ गया मेरे पास। अब वी बाई आई क्या होता है आर की इक्वल होता है, बाकी टर्म को हम क्या करेंगे इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा एम एल डिवाइड बाय में एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया भाई वी डिवाइड बाय आई, तो ये आपके पास क्या जाता है और वी बाई आई किसके इक्वल होता है आर के, तो यहां से जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा अभी वी बाई आई को मैंने क्या लिख दिया आर इज इक्वल टू क्या आ गया एम एल डिवाइड बाय में एन ई स्क्वायर ए इनटू में टाउ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई रेजिस्टेंस की ये वैल्यू निकल के आ गई यहां से, ठीक है। तो यही हमने क्या करना था ड्राइव करना था इसके अंदर कि जो रेजिस्टेंस होगा हमारा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी एम एल डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर ए इनटू में टाउ। ए क्या होता है एरिया होता है किसी भी कंडक्टर का, एन होती है उसके नंबर डेंसिटी, ई क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या होता है मास होता है, एल क्या होता है उस कंडक्टर की लेंथ, और टाउ क्या होता है उसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर दिखा दी, और यही हमारे क्या था फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमने वी इज इक्वल टू आई आर कर दो या आर इज इक्वल टू वी बाई आई कर दो, ठीक है, तीनों फॉर्म क्या है फॉर्मूला की हमारे पास, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास क्या आती है वी इज इक्वल टू आई आर आती है भाई, ठीक है। अब देखो ये तो हमने कर ली भाई यहां से, नेक्स्ट हम क्या करते हैं अब इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है कि हमने क्या लगाया था कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी लगाया था, जिसको हमने किसका नाम दे दिया रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। तो इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कैसे काम करता है, किस मेटेरियल के लिए क्या वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है आर, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ यानी रेजिस्टेंस होता क्या होता है कि रुकावट होती है, ठीक है, जो क्या करती है करंट को फ्लो करने से रोकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो रेजिस्टेंस की हम क्या करेंगे भाई रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन दोगे तो यहां से क्या बताओगे यानी रेजिस्टेंस क्या करोगे द यानी कि कुछ भी निकलो भाई रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है यानी एक ऐसी चीज जो क्या करेगी करंट को रोकेगी। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस यानी इट इज, हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं इट इज द इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे जो रोकेगा इट इज डिफाइंड एज द अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट
यानी हमारे पास क्या होता है, जो अपोज होता है, जो रुकावट होती है करंट के फ्लो के अंदर, उसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो आप सिर्फ क्या करो, टर्म को समझो, ठीक है, बुक वाली लैंग्वेज आपने नहीं लिखनी हो, ना ही आपने रटनी है। आप क्या करो, खुद अंडरस्टैंड करो टॉपिक्स के बारे में, कि या फिर आप जो क्वांटिटी पढ़ रहे हो वो क्वांटिटी क्या है, और उसकी खुद क्या करोगे, अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उसकी डेफिनेशन लिख दो। सिर्फ आपको क्या करनी, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इट इज डिफाइंड एज द अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के अंदर जो करंट के फ्लो के अंदर जो अपोज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, ठीक है। अगर हम इसकी क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं रेजिस्टेंस की, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है भाई, ओम होती है, ठीक है। और इसका सिंबल हम इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, ओम इसकी यूनिट होती है। अब इसके अंदर देखो, या फिर रेजिस्टेंस को अगर यहां से हम देखते हैं, तो इसकी और क्या यूनिट होगी। देखो मोस्टली जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम्स दिखाती है, लेकिन अगर हम यहाँ आप यहाँ से दिखाओगे तो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। लेकिन इसका हम क्या करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, जो भी आप न्यूमेरिकल वगैरह देखते हो, प्रैक्टिकल यूनिट आपकी क्या होती है, ओम्स के अंदर ही हम इसको दिखा देते हैं, क्योंकि ओम्स ने क्या किया था, ओम्स ला ओम्स ने डिस्कवर किया था, तो उसी के ऊपर जो इसका कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाया था, उसकी यूनिट हमने क्या पुट कर दी, ओम पुट कर दी। तो यहां से देखो भी, अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देनी है, तो क्या हुआ, वोल्टेज क्या लेंगे भाई हम, 1 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या लेंगे, 1 एम्पियर। तो यहां से क्या लिखोगे, जो 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा उसकी जो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या जाएगी, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लो इन इट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वही कंडक्टर हो, कितना हो जाएगा, 1 ओम के इक्वल हो जाएगा आपका। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 ओम की डेफिनेशन दे सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपने क्या करना भाई, इसकी इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप किस तरह से निकालोगे, तो देखो सारी चीज आपने निकाल के दिखानी होती है। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वी बाई आई, और वी क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्या हो, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, M1L2T-2, ठीक है। और चार्ज का क्या होता है भाई, A into VT। अगर यहां से भी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, M1L2T-3 और A-1। आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास A-1, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना भाई, तो A-1 आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब V का तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहां पर लिख दिया, M1L2T-3 A-1 डिवाइड बाय, हमारा क्या है, करंट है, तो करंट को किससे दिखाते हैं, एम्पियर से, तो नीचे हमने क्या लिख दिया भाई, A लिख दिया। अब A को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, M1L2T-3 और A-2। तो ये आपका क्या आ जाता भाई, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपके पास आ जाता भाई, ठीक है। तो ये जो चीजें थी वो सारी किसके बारे में थी, रेजिस्टेंस के बारे में थी भाई। और दूसरी बात देखो भाई, आपका जो रेजिस्टेंस है उसका रीजन क्या होता है, वो जो रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी देखो जब क्या करते हैं हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो तो सेम रहते हैं कंडक्टर के अंदर, तो कई जैसे हमारे पास सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, उनके अंदर नंबर डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती जाती है। लेकिन जब कंडक्टर की बात आती है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है।
जब ड्रिफ्ट स्पीड उनकी इंक्रीज करेगी तो उनके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा कोलिजन करने का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन ज्यादा हुआ तो आपस में कोलिजन ज्यादा करेंगे, आगे की तरफ क्या करेंगे, कम मूव कर पाएंगे आपके। तो ये हमारे पास क्या होता है, रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं वो आगे नहीं जा पाते, और इसी वजह से आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है, कैसे वो निकल, कैसे निकल के आती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और वो किन किन चीजों के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी, ये सारी बातें जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी है वैसे हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, रेजिस्टिविटी। इसको हम दिखा देते हैं रो से, रेजिस्टिविटी आपकी रो होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे हमने आर का फॉर्मूला ड्राइव किया, इसी तरह हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिफाइंड फॉर्मूला ड्राइव करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी कहां से निकल के आएगी आपके पास, हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि देखो आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वहां से भी आपकी रेजिस्टिविटी निकल के आती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि वी नो दैट, या फिर इसको छोड़ो डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं, द फैक्टर्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। विकी वो कौन कौन से फैक्टर है भाई जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आपको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो उनसे हम क्या करेंगे, अपनी रेजिस्टिविटी निकाल के लेके आएंगे। तो फर्स्ट फैक्टर होता है हमारे पास लेंथ, लेंथ यानी देखो लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, दो हम कंडक्टर मान लेते हैं जिनकी लेंथ क्या है, एल है। लेट टू कंडक्टर्स, लेट टू कंडक्टर्स ऑफ लेंथ एल, यानी एल हमने क्या मान ली उनकी लेंथ मान ली। अब दो कंडक्टर की लेंथ मान ली, दो कंडक्टर हमारे पास अलग अलग दोनों क्या है, सेम लेंथ के हैं। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं भाई, साइड बाई साइड क्या करेंगे, पुट कर देते हैं ऐसे। अगर हम इनको साइड बाय साइड पुट करेंगे तो किस तरह से करोगे भैया, आपने एक मिनट थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं भैया, आपका डायग्राम कैसे रहेगा, मान लीजिए हमारे पास क्या भाई एक फर्स्ट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से इसकी लेंथ दिखा देते हैं ऐसे। तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, एल हमने इसकी लेंथ मान ली। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक सेकंड कंडक्टर मान लेते हैं, उसको भी हम इसी साइड में यहां पर पुट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लो भाई उसको इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपका आएगा तो दोनों की लेंथ हमने किसके इक्वल मान ली भाई, एल के इक्वल मान ली, दोनों को हमने साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ पुट कर दिया, ठीक है। तो लेंथ एल मान ली, अब हमने इसको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया भाई, बैटरी या सेल किसी से जोड़ दिया। अब ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। अब ये क्या करेगी, इसमें से करंट जाएगा भाई, आई करंट यहां से, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ क्या हुई, डबल हो गई। अगर मैं कहता हूं कि एक कंडक्टर के अंदर से करंट आई जा रहा था तो उसी लेंथ का मैंने सेम कंडक्टर और आगे रख दिया, यानी लेंथ डबल होगी, तो वो जो करंट आई जा रहा था वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो करंट कितना जाएगा, एक कंडक्टर के अंदर से करंट कितना जाएगा, आई बाई टू, और इसके अंदर से करंट कितना जाएगा, आई बाई टू, यानी हाफ करंट जाएगा, यानी जो पहले वैल्यू जा रही थी उसका क्या जाएगा भाई, हाफ वैल्यू जाएगी हमारे पास करंट की। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका नया रेजिस्टेंस निकालेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस है
वो किस तरह से आएगा। तो यहां से देखो हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, V by I के इक्वल होता है। देखो पोटेंशियल तुमने V अप्लाई किया है बैटरी का, लेकिन जो करंट था लेंथ हमने, अगर इतनी लेंथ होती तो मान लेते भाई I करंट जा रहा था फर्स्ट कंडक्टर के अंदर, फिर हमने इतनी लेंथ और क्या कर दी और आगे जोड़ दी, तो जो करंट हमारा फ्लो करके जा रहा था फर्स्ट कंडक्टर के अंदर से वो सेकंड के अंदर से भी जाएगा, लेकिन कितनी भाई उसकी वैल्यू तो आपको जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर क्या जाएगा सेम करंट जाएगा। तो यहां से हमारे पास V इक्वल टू I, तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं नया R डैश, कब V इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या पुट कर दी भाई I बाय 2, यानी लेंथ अगर मैंने डबल कर दी तो करंट कितना चला गया I बाय 2 चला जाएगा भाई यहां से, तो R डैश की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई 2V डिवाइड बाय I, यानी V 2 आपका ऊपर चला जाएगा। और यहां से देखो जो आपके पास जो V बाय I आया है वो आपका क्या है रेजिस्टेंस अभी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R डैश इज इक्वल टू में 2R। तो ये आपका कब आया है जब आपने लेंथ को क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी लेंथ अगर पहले L थी आपने उसको डबल कर दिया लेंथ को, यानी 2L लेंथ कर दी, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल हो गया भाई 2R का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इस लेंथ को आप हाफ कर देते हो ना भैया L / 2 कर देते हो तब करंट क्या चला जाएगा I चला जाएगा आपके पास, तो आपका रेजिस्टेंस क्या निकलेगा I / V / I निकल के आ जाएगा R = तो देखो ये कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस था R = V / I, जब दोनों कंडक्टर को हमने जोड़ दिया तो करंट क्या हुआ हाफ चला गया दोनों के अंदर करंट, तो नया रेजिस्टेंस निकालेंगे तो I / 2 हो गया करंट हाफ, तो यहां से R डैश की वैल्यू क्या आ गई 2R के इक्वल आ गई। यानी अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को क्या कर देते हो डबल कर देते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इससे आपको क्या पता लगता है भाई कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लेंथ के, जितनी आपने लेंथ बढ़ाई उतना ही आपका क्या होगा रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला गया, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई फर्स्ट फैक्टर था लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एरिया की बात, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। सेकंड जो फैक्टर आएगा आपके पास क्या जाएगा भाई एरिया जाएगा, एरिया जिसको हम ए से निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा अब जैसे मान लेते हैं हमने यही कंडक्टर माना था जो कंडक्टर हमने अभी बनाया था भाई, ठीक है, इसी को मैंने मान लिया इस तरह से, ये हमने कंडक्टर मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूं भाई मिडल से इसकी लेंथ वाइज इसको क्या कर देता हूं कट कर देता हूं, यानी अगर मैं इसको यहां से ऐसे ऐसे कट कर देता हूं भाई, ठीक है। अगर मान लेते इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था कंप्लीट का, तो अब कितना बच गया भाई 1/2 ए ऊपर बच गया और ए / 2 क्या बच गया नीचे बच गया, यानी मैंने इसको मिडिल से क्या कर दिया कट कर दिया, ठीक है। अब देखो टोटल एरिया ए था इसका, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा था आई करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया भाई एरिया को हाफ कर दिया, तो अब एरिया हाफ कर दिया तो ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में करंट कितना जाएगा आपका जो नया करंट जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई I by 2 और यहां पर भी क्या जाएगा I by 2, यानी दोनों के अंदर आपका करंट कैसा चला गया हाफ हाफ करंट चला गया भाई आपका। तो देखो जब इसका एरिया A था तो इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी R is equal to किसके इक्वल आई थी भाई I इसके इक्वल आ गई थी, ठीक है। अब देखो जब हम नया रेजिस्टेंस निकालते हैं जब हमने एरिया को क्या कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है, एरिया को आप कर दिया तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा भाई करंट के ऊपर, करंट आपका कैसा हो गया हाफ हो गया करंट, तो V डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे I / 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी क्या हो जाएगा 2V डिवाइड बाय I, और R डैश को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2H की जो V / I की जगह हम क्या लिख सकते हैं R, तो ये हो गया 2R। तो जो नया रेजिस्टेंस आया वो आपका क्या होगा भाई डबल हो गया गया, लेकिन हमने एरिया को क्या किया था एरिया को हमने हाफ कर दिया, और जितना एरिया हमने 1/2 कम किया था यानी कि 2 से डिवाइड किया था तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है, यानी एरिया को हमने किया 2 से डिवाइड तो रेजिस्टेंस नया रेजिस्टेंस जो आया वो क्या गया 2 से मल्टीप्लाई होके आ गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई एरिया के, यानी एरिया हमने क्या किया था कम किया था हाफ किया था तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया डबल होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई दो टर्म थे जिनके ऊपर क्या करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा
डिपेंड करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। लेंथ और एरिया आपको समझ में आएगा कि कैसे डिपेंड करेगी लेंथ और एरिया के ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका। तो देखो भाई यहां से आपका एक आई थी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। आपको दोनों करके दिखाने पड़ेंगे। अगर ये आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आपको एक करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते थे भाई फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, तो आर क्या हो जाएगा भाई डायरेक्टली को एल बाई ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को डालोगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना होता है और हम क्या लगा देते भाई रो एल डिवाइड बाई ए। तो यहां से यह आपका फॉर्मूला था, जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने रो लगाया है इसको हम क्या बोल देते भाई रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है इसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है भाई। अब देखो जो आपके पास ये रेजिस्टिविटी आती है इसको हम एक तो रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, लेकिन दूसरा नाम इसका क्या होता है भाई, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोल देते हो। लेकिन अगर हमें इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो देखो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, ऊपर वाले जो चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे और हम किसके बारे में पढ़े थे रेजिस्टिविटी, तो हमने रेजिस्टिविटी यहां से निकाल के दिखा दी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई, तो देखो रेजिस्टिविटी को निकालोगे तो आर की वैल्यू, रो की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी आर ए डिवाइड बाई एल, यानी ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल इंच डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया आपका। तो रेजिस्टिविटी का आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया रेजिस्टिविटी का। अगर हम इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं कि ये रेजिस्टिविटी कितनी होगी आपके पास, तो देखो अगर मैं क्या कर देता हूं भाई इफ एरिया को मैंने कर दिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को मैंने क्या कर दिया 1 मीटर, देन जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसके जो डेफिनेशन लिखोगे रेजिस्टिविटी की वो आप क्या लिख दोगे भाई, यहां से हम लिख देते हैं कि यानी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर व्हेन द एरिया ऑफ कंडक्टर, व्हेन द एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज, एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, यानी कंडक्टर की जो लेंथ होगी अगर वो हम क्या कर देते हैं भाई 1 मीटर कर देते हैं और जो एरिया वो आपका क्या कर दिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कर दिया भाई रेजिस्टिविटी वैल्यू भी लिख दी। अगर हम यहां से यूनिट देखते हैं रेजिस्टिविटी की कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट की हम क्या करते हैं बात करते हैं, तो यूनिट आप किस तरह से दिखाओगे रेजिस्टिविटी की, देखो यहां से, तो यहां से देखो रो की क्या वैल्यू आई भाई आर ए डिवाइड बाई में एल। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है भाई ओम, ओम और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती है आपकी मीटर, तो मीटर से कैंसिल होगा तो आपका क्या होगा भाई ओम मीटर, ठीक है। एक दो इसकी यूनिट क्या आ जाती है आपकी ओम मीटर आ जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं आपके रेजिस्टिविटी को क्या करेंगे इफेक्ट करेंगे, जैसे ये तो हमने दिखाए थे भाई कि जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं जो फैक्टर है। अब वो फैक्टर बात करेंगे जो क्या करेंगे रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। तो देखो रेजिस्टिविटी किन फैक्टर के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी, यानी कि
फैक्टर इफेक्ट द रेजिस्टिविटी, कि कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टिविटी क्या करेंगे इफेक्ट करेंगे। तो देखो यहां से हमारे पास रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आई थी, रो इज इक्वल टू में आर पी डिवाइड बाय पी एल, हमारे पास जो रेजिस्टिविटी आई थी इसके इक्वल आ गई थी। अब देखो जो रेजिस्टिविटी हमने निकाली थी वो किसके फॉर्म से निकाली थी भाई, आर इससे निकाली थी ना, आर इज इक्वल टू में रो एल बाय वी ए, ठीक है। अगर देखो हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो देखो आर रो एल बाय ए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन आर इज इक्वल टू क्या होता भाई, v by i भी तो होता है, ठीक है। अगर हम यहां से ये फॉर्मूला अपना लेके चलते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है, हम डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम जैसे हमने ओम्स लॉ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, उसी तरह हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूले का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, अगर हम देखते हैं R is equal to V by I और R, but R R और किसके इक्वल आया था भाई, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज किया था तो R हमारे पास किसके इक्वल आया था, एम एल डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर ए इक्वल में टाउ, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब देखो ये दोनों क्या हैं, R की वैल्यू है, ठीक है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिख देता हूं r जीरो में m l डिवाइड बाय में n e स्क्वायर टाउ इनटू में a, ठीक है। तो अब देखो अब ये हमारे पास क्या हो गया, r का फार्मूला आ गया, लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूं, इक्वेट करता हूं भाई किससे, बट r इज इक्वल टू में रो l बाय में a, तो r का फार्मूला ये भी तो होता हमारे पास होता ना। चलो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को ड्रॉप कर सकते हैं कि यहाँ से आर इज इक्वल टू वी बाई आई, डायरेक्ट याद करो कि जो आर का फॉर्मूला था वो क्या होता है, एम एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर ए इनटू में टाउ होता है, और एक आर का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इसके अंदर देखो हमने क्या किया, एल और ए को एक साथ लिख दिया, तो एल बाई ए तो हमारे पास आ गया, तो यहाँ से जो वैल्यू बची हमारे पास एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, ये किसकी बची, रो की बची हुई, यहाँ से जब हम इनको इक्वेट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तो इनको क्या कर दो, इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा रो एल बाई में ए, ये हो जाएगा एम एल डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई में ए, तो एल और ए से क्या होगा कैंसल, तो यहां से हमारे पास रो की क्या वैल्यू निकल के आएगी भाई, एम डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर इनटू में टाउ, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल के आ गई भाई यहाँ से। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आए हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है भाई कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेंगे, तो देखो रो की वैल्यू हमारे पास आई है एम डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर इनटू में टाउ, तो देखो फर्स्ट डिपेंड करती है मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्स्टेंट होता है, तो सिर्फ हमारे पास कौन सी दो क्वांटिटी बची हुई, एक तो हमारे पास n नंबर डेंसिटी बची और एक क्या बची है इसका रिलैक्सेशन टाइम, तो दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके n, और n हमारे पास क्या होती है, नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी तो उसकी सेम रहती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी गेन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पीडली मूव करने लग जाते हैं भाई, और जब वो स्पीडली मूव करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन बढ़ने लग जाता है, कोलिजन बढ़ेगा तो कोलाइड ज्यादा करेंगे और जो उसका पाथ है उसको क्या कर पाएंगे, कम ट्रेवल कर पाएंगे। तो अगर आपकी नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी बढ़ती है, उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। जैसे वही एग्जांपल आ गया, जैसे हम किसी मेले के अंदर जाते हैं भाई, वहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है, अगर वहां पर हम भागने की कोशिश करते तो क्या करेंगे, इधर उधर टकराएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, अगर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की आपकी ज्यादा हो जाती है, और ये रेजिस्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ से कम होगी, लेकिन यहाँ से एन और रो के बीच में तीसरी जो टर्म आई वो मार क्या है, टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर कंडक्टर के अंदर आपका बढ़ जाता है,
ठीक है। तो नंबर डैश देखो, कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्री होते हैं आपके मूव करने के लिए। तो नंबर डैश है उनसे ज्यादा तो और तो बढ़ नहीं सकते, यानी जितने भी तो सारे फ्री हैं मूव करने के लिए, तो बाहर से और ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं कि जब तक हम नहीं लेंगे उसको। तो नंबर डैश तो सेम रहेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करेगा कि जो आपका कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा इसका मतलब क्या, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो आगे कम जा पाएंगे, और उनका जो कोलिजन है वो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा। और जो रो है वो किसके कॉलम में दिखाई थी, आर इज इक्वल टू रो की इक्वलाई थी भाई, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटीरियल, नेचर ऑफ मेटीरियल, यानी जिस टाइप का मेटेरियल होगा उसी के हिसाब से उसकी क्या नंबर डैश आ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यानी विद टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर था जिसके ऊपर डिपेंड करती थी। अब नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर आया हमारे पास वो कौन सा आएगा, वो आ जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम, यानी सेकंड जो आएगा आपका वो क्या जाएगा भाई, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टाउ। अब देखो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी फर्स्ट टाइप के अंदर, उससे जो रिलैक्सेशन टाइम वो आपका क्लियर हो गया होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो कोलिजन उनके बीच में क्या होता है ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा उनके बीच में तो जो उनका रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हो क्या हो जाएगा कम। तो यहां से देखो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपकी जो रेजिस्टिविटी हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको पता लगता है कि अगर रेजिस्टिविटी और जो रिलैक्सेशन टाइम दोनों क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिलैक्सेशन टाइम आपका कम कब होता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। देखो अगर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात आती है तो ये अलग अलग चीज होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, लेकिन हम क्या बात करें अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर जो फ्री आयंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, बहुत कम होते हैं, यानी जो नंबर डेंस होती है फ्री आयंस क्या होगी, कम होगी। और नंबर डेंसिटी आपकी जब कम होगी तो अगर हमारे पास कई जगह है जैसे गली के अंदर जाते हैं वहां पर एक या दो आदमी है और हम वहां से भाग के जाते हैं तो हम आसानी से जा सकते हैं, हम कोलाइड नहीं करेंगे उससे। तो वही बात है अगर बात आती है इंसुलेटर की, इंसुलेटर की जो नंबर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। नंबर डेंसिटी वेरी स्मॉल हो जाएगी तो उनके बीच में कोलिजन क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यानी कहीं कहीं पर आपके पार्टिकल मिलेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इंसुलेटर की टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। और यही बात आपकी क्या आती है सेमीकंडक्टर के अंदर आती है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है किसके बीच में लाई करती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके जो आयंस होते हैं वो भी क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, लेकिन उसकी नंबर डेंसिटी क्या होती है, वो भी कम होती है, ठीक है। तो उसकी रेजिस्टिविटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि देखो लिमिट तो हर चीज की आती है, ठीक है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर केस में आपको ध्यान रखना चाहिए फ्री आयंस बहुत कम होते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडक्टर की क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी रेजिस्टिविटी। तो ये थे भाई आज के हमारे टॉपिक्स, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान से करना है और जैसा भी आपको लगे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं भाई। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।